चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता की। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, नॉर्मेलिटी हमने पढ़ी, मोलैरिटी हमने पढ़ी, मोलैलिटी हमने पढ़ी। अगर मैं आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी वापस रिव्यू कराऊं तो देखना, नॉर्मेलिटी क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द। ये हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को पढ़ा था। अब हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन होती है, जो फॉर्मेलिटी है वो कैसे डिफाइन होती है। अब नॉर्मेलिटी पे अगर गौर करो, नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व थे, वही हमारी क्या थी, नॉर्मेलिटी। यहां पर क्या होगा फॉर्मेलिटी में, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट चल रहा है, यहां पर हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट, यानी हिंदी में अगर बोलूं तो किसी विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या 1 लीटर विलेय में उपस्थित होगी, वही अपनी क्या होगी, फॉर्मलता होगी। अब हम समझेंगे ये ग्राम फॉर्मूला वेट क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला वेट या इसे हम बोल दें ग्राम फॉर्मूला मास भी बोल दिया जाता है बाद की, इसका मतलब क्या है ये समझो। हमने देखा था ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हमने देखा था क्या था, अगर तुम यहां से निकालो, यहां से अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम देख रहे थे क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास, यही पढ़ा था। यहां पर क्या होगा, वही मास ऑफ सॉल्यूट टू द फॉर्मूला मास, क्या होगा, टू द फॉर्मूला मास, मास ऑफ सॉल्यूट टू द फॉर्मूला मास। अब बात आ जाती है कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता रहता है, ये फॉर्मूला मास क्या है। अब यहां पर पूरी की पूरी कहानी किस पर डिपेंडेंट है, इस फॉर्मूला मास पे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला वेट भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। अब इसको समझो, होता क्या है जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाता है, और वो भी कौन सा सॉल्यूट, यहां पर ध्यान रखना, जो फॉर्मेलिटी डिफाइन होती है वो मेनली आयनिक सॉलिड के लिए डिफाइन होती है, किसके लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। और कौन से आयनिक सॉलिड, जिनका एक बहुत बड़ा आयन्स का क्या हो, नेटवर्क हो, क्या, नेटवर्क ऑफ आयन्स के लिए क्या होती है, डिफाइन होती है। तो यहां लिख दूं, फॉर नेटवर्क ऑफ आयन्स के लिए क्या डिफाइन की जाती है, फॉर्मेलिटी। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में कि फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड फॉर नेटवर्क ऑफ आयन्स और आयनिक सॉलिड, दोनों के लिए ध्यान रखना। अब मैं यहां पर अगर किसकी बात कर रहा था, फॉर्मूला वेट की, यानी फॉर्मूला मास की। देखो जो फॉर्मूला मास है अपना, जो फॉर्मूला मास है, इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं जो अपना मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी सब्सटेंस का। अब मेरे को पता है वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, दो तरीके से सॉल्यूशन में रिएक्ट कर रहा है, या तो वो डिसोसिएट हो सकता है या वो कंबाइंड हो सकता है। डिसोसिएट होने का मतलब समझना, अगर एबी टाइप का कोई कंपाउंड है, अगर ये डिसोसिएट होता है या ये कंबाइंड होता है। अगर डिसोसिएट होगा तो किसमें होगा, एक ए प्लस आयन में, एक बी माइनस आयन में, एक ए प्लस में और एक बी माइनस, यानी ये दो तरीकों से क्या हुआ है, टूटा है। तो यहां पर इस टूटने की जो डिग्री है वो क्या है, हाफ, यानी हाफ ही तो हुआ है, ए बी था पूरा और दो टुकड़ों में टूट गया, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ ए और हाफ बी। यहां पर अगर ये कंबाइंड हो जाए, क्या हो जाए, कंबाइंड, तो क्या हो सकता है, ए बी इस तरीके से एक मॉलिक्यूल बनाएगा अगर ये कंबाइंड हो रहा है तो। जैसे ये कंबाइंड हुआ, यहां पर देखो कितने थे अपने पास, ए बी, एक ए और एक बी, ठीक है, यहां पर ए बी देखो कितने, एक ए बी, एक ए बी, तो टोटल कितने हुए, ए बी दो, यानी यहां पर इसकी डिग्री क्या है, सिर्फ दो, यहां पर इसने क्या बना लिया, डायमंड, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, दो। तो यहां पर ये एक फैक्टर आ रहा है, या तो ये डिसोसिएट हो सकता है यानी हाफ हो जाएगा, या ये कंबाइंड हो सकता है यानी दो यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल दो यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर फॉर्मूला मास निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसी कंपाउंड का, उस
इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, एक फैक्टर से। इस फैक्टर को मैंने नाम दे दिया ए। इस ए की वैल्यू क्या करेगी, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वेरी करेगी। कैसे, अगर ए बी कंपाउंड लिया है मैंने और मैंने बोल दिया ये डिसोसिएट हो रहा है, तो आप ए की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ। अगर यही कंपाउंड ए बी टू टाइप का हो तो यहां पर ये डिसोसिएट कैसे होगा, एक ए में और दो बी आयन में, किसमें, दो बी आयन में। यहां पर क्या लिखोगे इस फैक्टर की वैल्यू, देखो एक ए और दो क्या है बी, कितने टुकड़े किए आपने इसके, एक दो तीन, तो यहां पर फैक्टर क्या हो जाएगी, तीन। आई बात समझ में, तो यहां पर वैल्यू क्या लिखोगे, 1/3। मैं क्या कर दूं इसको ए बी थ्री कर दूं, अब देखो कितने टुकड़ों में टूटेगा, एक ए में और तीन बी में, यानी कितने टुकड़ों में टूटा, चार टुकड़ों में, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप यहां पर, 1/4। अब यहां पर क्या हो सकता है, अगर डाइमर बना रहे हो तो आप क्या लिखोगे उसकी वैल्यू, दो, यानी द्विलक संरचना बना रहे। वो क्वेश्चन में बोलेगा आपको, फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन जब भी आएंगे वो क्वेश्चन में बोलेगा एक कंपाउंड था, वो किसी सॉल्वेंट में घुलने के बाद डाइमर स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसका आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्योंकि डाइमर है। अगर ये ट्राइमर बना रहा हो तो, यानी त्रिलक संरचना बना रहा हो तो यहां पर 2 की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, 3। अगर वो जो कंपाउंड है वो क्या बना रहा हो, टेट्रा यानी, तो आप क्या लिखोगे, 4। अगर पंचलक यानी पेंटा वाली स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप वैल्यू क्या लिखोगे, 5। तो ये वैल्यू ध्यान रखना, डाइमर के लिए 2, ट्राइमर के लिए 3, ये वैल्यूज है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, जो फॉर्मूला मास है वो क्या होता है, जो अपना मॉलिक्यूलर मास है किसी सब्सटेंस का, उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा। अब यहां पर एक और चीज बात समझने के लिए कि ये जो कंपाउंड्स है, ये जो कंपाउंड्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इन कंपाउंड्स के बारे में ध्यान रखना है, ये कंपाउंड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है अपना NaCl, इसके लिए ए की वैल्यू क्या लिखोगे आप, अगर डिसोसिएट हो रहा है तो क्या लिखोगे, यहां पर देखो एक Na एक Cl, क्या लिखोगे ए की वैल्यू, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके लिए ए की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/4, देखते ही पता लग रहा है मैंने लिखा Na2SO4 का होल थ्राइस। यहां पर Na की वैल्यू देखो, Na कितने, 2, सल्फेट कितने, 3, Na 2 सल्फेट 3, टोटल क्या हुए, 1/5, टोटल ये 5 हुए, तो इसकी ए की वैल्यू यानी 5 टुकड़ों में टूटेगा। अब आगे चलते हैं, हमने पढ़ लिया फॉर्मेलिटी क्या थी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अभी तक हमने यही पढ़ा। फॉर्मूला मास भी हमने पढ़ लिया, क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास इनटू ए, जो फैक्टर है एक अपना, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो था कि वॉल्यूम अगर मेरे को लीटर में दे रखा हो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर यही वॉल्यूम मेरे को एमएल में दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, एम अपॉन एम नॉट इनटू ए इनटू वी एमएल और इनटू जो हमेशा करते आ रहे हैं 1000। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में वॉल्यूम एमएल में दे रखा हो, ये यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो। आई बात सुनने, अब यहां से एक चीज देखना, अब देखो यहां पर इस फॉर्मूले में मैं एक चीज बोल देता हूं, जो अपना फॉर्मूला मास है, जो अपना फॉर्मूला मास है, इफ फॉर्मूला मास इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर मास, अगर फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है तो होगा क्या, हमने मोलैरिटी अभी पढ़ी है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अगर Fm m नॉट के इक्वल हो जाए तो ये फॉर्मूला यही तो बन गया, तो मैं बोल सकता हूं फॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाती है, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलैरिटी के, कब, जब फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो यहां से एक चीज और निकल सकती है इस फॉर्मूले में भी, क्या देखो यहां पर ये m m नॉट vl, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, मोलैरिटी को, तो यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू m अपॉन a, एक ये भी फॉर्मूला बन गया अपने पास, ठीक है। अब देखो बात करेंगे फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन की, मैंने अभी आपको डाइमर यानी डिसोसिएशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर फॉर्मेलिटी के बारे में बताया था, अब यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो आपको बोलेगा बकायदा कि आपके पास एक सॉल्यूट यानी एक कंपाउंड है,
इसको आप क्या क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट में, हो सकता है वो डाइमर बनाए, वो क्वेश्चन में बोलेगा डाइमर। मान लो मैंने बोला एसिटिक एसिड है, मैंने उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद वो डाइमर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, तो वहां पर डाइमर स्ट्रक्चर वो बोल रहा है डाइमर डाइमर, इसका मतलब ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे वहां पर, सिर्फ दो, क्या लिखोगे दो। अगर वो बोलते आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है एज अ सॉल्यूट, क्या है विलय के रूप में कौन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन नहीं लेना, वहां पर आपको क्या लेना है डिसोसिएशन लेना है, तो वहां पर ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे, मैंने अभी बताई थी तीन, ये टुकड़ों में टूटेगा, टोटल कितने टुकड़े, तीन क्लोरीन के एक एल्यूमिनियम, टोटल कितने चार, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या लिखोगे आप 1/4। आई बात समझ में, ये चीजें ध्यान रखना। अब देखो तो क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहां पर, देखना पहला को जो क्वेश्चन है ये डिसोसिएशन पर है, यानी वियोजन पर है, ठीक है, इस पर है डिसोसिएशन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन पर है, यानी संयोजन पर है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास 117 ग्राम NaCl था, मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया और 500 ml का एक सॉल्यूशन तैयार किया। अब आपको मोलरिटी और फॉर्मेलिटी NaCl की फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है मोलरिटी और फॉर्मेलिटी। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा, मेरे को पता है फॉर्मेलिटी अगर मेरे को फाइंड करनी है तो मेरे को क्या चाहिए, फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या था ए इंटू मोलर मास। मोलर मास भाई साहब NaCl का कितना होता है, NaCl का मोलर मास देखो 23 + 35.5 कितना आएगा, ये 58.5 क्या आया मोलर मास आया किसका NaCl का, ये आया 58.5। ए की वैल्यू NaCl के लिए ए की वैल्यू क्या होगी आप लोग बताओ, क्या लिखेंगे 1/2, इसको ऐसे लिख दूं इनटू 1/2, ये किसकी वैल्यू होगी ए की वैल्यू, ये फॉर्मूला मास आ गया, इसको मैं कट आउट नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। अब मेरे को क्या निकालना है, फॉर्मेलिटी निकालनी है। फॉर्मेलिटी हमने पढ़ी थी अभी, क्या थी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही पढ़ा था। मास कितना है 117 ग्राम, फॉर्मूला मास की वैल्यू 58.5 इनटू 1/2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। अब देखो ये ml में है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, ये दो जीरो से दो जीरो, ये 5 × 2 = 10, ये दो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहां इसको हटाया ये भी हटाया क्या हुआ 4, इसको कट आउट करो, ये देखो जस्ट इसका डबल ही है, तो क्या आई 4 × 2 = 8, फॉर्मेलिटी आ गई अपने पास 8, फॉर्मल लिख दूं इसको पूरा। अब हमें फाइंड आउट करनी है मोलरिटी, मोलरिटी क्या लिख सकता हूं मैं, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फॉर्मेलिटी और मोलरिटी का, क्या था रिलेशन फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन ए, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहां पर मोलरिटी मेरे को फाइंड आउट करनी है, फॉर्मेलिटी मेरे पास आ गई 8, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू किसके लिए NaCl के लिए कितनी है 1/2, वैल्यू रखो 1/2, 2 × 2 ये गया 2 × 4 = 8, यानी मोलरिटी कितनी आई 8, मोलरिटी आ गई भाई साहब 4 मोलर। आई बात समझ में, इस तरीके से हम क्या करते हैं डिसोसिएशन के लिए फॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस फाइंड आउट। अब देखो यहां कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम न्यूमेरिकल देखें क्या बोल रहा है, वो अपने पास क्या है एसिटिक एसिड है एज अ सॉल्यूट, कितना है 30 ग्राम है, इसको मैंने क्या किया बेंजीन एक सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व किया और एक सॉल्यूशन बनाया कितने लीटर का 1 लीटर का। हमें क्या फाइंड आउट करना है मोलरिटी और फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है इस एसिटिक एसिड की। अब क्वेश्चन में यहां पर वो बोल रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ते रहना स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है जब एसिटिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व होता है तो क्या बनाता है डाइमर बनाता है, डाइमर में ए की वैल्यू मैं सिर्फ 2 लिखता हूं। आई बात समझ में, क्वेश्चन में दे रखा है डाइमर बनाता है, आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला मास निकालेंगे हम, फॉर्मूला मास का मतलब एम नॉट इनटू ए होता है। अब एम नॉट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, देखो एसिटिक एसिड दिया है
इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है CH3COOH। इसका मोलर मास निकालो, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 4 लिखूं, कार्बन कितने हैं 2 है मेरे पास तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4 तो प्लस 4, ऑक्सीजन कितने 2 तो 32, 16 दूनी 32, ऐड करो 4 4 8 तो 10 0 3 4 5 6 तो कितना आया 60। इसका मोलर मास तो क्या आएगा 60, तो 60। ए ए का मतलब क्या है, कौन सा मेरे पास फैक्टर है डाइमर, यानी 2 कर दूंगा फार्मूला मास कितना आ जाएगा मेरे पास 120। अब फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 30 ग्राम, फार्मूला मास कितना है 120 आया है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, लीटर में दे रखा कोई प्रॉब्लम नहीं, कट आउट 3 चौक 12 यानी 1/4 फॉर्मल यानी 0.25 भी बोल सकता हूं मैं इसे। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए अभी हमने देखा है क्या होगा F into A लिख दूंगा, F कितना है अपने पास 1/4, A A मतलब 2 तो कितने आई 1/2 मोलल, 1/2 मोलल या 0.5 मोलल बोल सकता हूं। इस तरीके से हम इसके क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, अपना जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज, इसको डिफाइन कैसे करें, पहले इसका मतलब समझो क्या है। मान लो आपके पास सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेचारा सॉल्यूट, एक होता है बापड़ा सॉल्वेंट, यही होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मेरे को किसी भी कंपोनेंट का इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी कंपोनेंट है इनमें से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन सबसे पहली बात आती है डिफाइन कैसे करें, डिफाइन करने का मतलब यह है मेरे को किसी जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका क्या लूंगा नंबर ऑफ मोल्स, उसका क्या लूंगा नंबर ऑफ मोल्स, और उसको डिवाइड किससे कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कंपोनेंट के उससे क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो अब डिफाइन कैसे किया मैंने, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसको समझना क्या है, अगर मेरे को सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है इसको हम x से डिनोट कर देंगे, जो आपकी मर्जी उससे डिनोट कर दो, मैंने x से डिनोट कर दिया, x ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। डिफाइन कैसे करोगे, सॉल्यूट का निकालना है तो क्या लोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखा है मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, इनके क्या ले लो नंबर ऑफ मोल्स ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया किसका सॉल्यूट का, यानी जो मेरे पास विलायक उसका क्या आ गया मोल भिन्न आ गया मेरे पास। इसी तरह अगर सॉल्वेंट यानी विलायक का निकालना है आपको कैसे करोगे, ऊपर क्या लोगे सॉल्वेंट का जिसका निकालना है उसका अपॉन सॉल्यूशन का यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में, इस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब सुनना एक बात ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन है यहां पर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, अंश या भिन्न की बात हो रही है, तो एक बात ध्यान रखना जो भी मोल फ्रैक्शन होगा चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो उनका जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है, एक ये बात ध्यान रखना ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, किसके ऊपर मोल फ्रैक्शन पे। तो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमेशा की तरह उसको रीड आउट करना फिर यहां देखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास वाटर है कितना ग्राम है 54 ग्राम, इसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास हमने दे रखा है। अब हमने इसमें जो सॉल्यूट डाला है वो है एथिल अल्कोहल जो कितना दे रखा है हमें 23 ग्राम, और उसका मोलर मास भी हमें दे रखा है कितना है 46 ग्राम। हमें क्या फाइंड आउट करना है जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उन दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। अब देखो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन किसके टर्म में निकाली जाती है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी जो गिवन मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर
मास करते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के क्या निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाल लूं। तो यहां देखो ये सॉल्यूट के लिए लेता हूं मैं सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट के लिए देखो सॉल्यूट कौन है, एथिल अल्कोहल, जिसका गिवन मास है मेरे पास कितना है 23 ग्राम। मोलर मास मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 46। ठीक है, फिर यहाँ सॉल्वेंट देखो कौन है, वाटर, इसका गिवन मास कितना है मेरे पास 54। मोलर मास कितना है अपने पास 18। ठीक है, कट आउट करो आंसर आएगा आपके पास, इसको मैंने कट आउट किया ये 1/2 आया, इसको कट आउट किया 18/54 आया। अब मेरे को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट कौन है ये रहा, कितना आया मेरे पास 1/2 यानी 0.5 लिख दूं इसको, बात एक ही है। ठीक है, अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है अपने पास 0.5 प्लस सॉल्वेंट 3। फिर यहां सॉल्वेंट और निकाल लो, तो ये क्या है, सॉल्वेंट कितना है 3/0.5+3। ठीक है, इसको सॉल्व करो 0.5/3.5, इसको सॉल्व करोगे 3/3.5, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो वैल्यूज जो आएगी वो क्या आएगी, एक्स्ट्रा पर देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो यार। अब आपको यहां पर ध्यान रखना एक चीज, जब आपको लगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप ध्यान रखना जो मोल फ्रैक्शन आई है चाहे वो सॉल्यूट की आए चाहे वो सॉल्वेंट की, मैंने आपको एक चीज बताई थी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। अब आप इसको ऐड करके देखना आपके पास हो सकता है वैल्यू, यहाँ पर ध्यान रखना वैल्यूज में हो सकता है 0.9999 समथिंग आए, तो इसको एक ही समझना, अगर 0.99 या 1 एक्यूरेट भी आ रही है ना तो भी आपका क्या आंसर करेक्ट है। अब मैं इसको अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास 0.9999 समथिंग आएगा, इसका मतलब 1 के इक्वल है, तो ये मेरा आंसर क्या है सही। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है हमारे पास क्या है HCl का एक सॉल्यूशन है, किसका है HCl का। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी सिंपल ऐसा दे रखा हो HCl का सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूट तो कौन हो गया मेरे पास, सॉल्यूट तो हो गया HCl, बट सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट कौन होगा अपना, अगर ना दे तो भी ध्यान रखना कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर। अब ये दोनों होंगे, हमें क्या निकालना है HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब उस HCl का आपका क्या दे रखा है, परसेंट बाय मास दे रखा है, जो कि कितना है 24.8 परसेंट बाय मास, किसका दे दिया HCl का। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ आए सिर्फ एक कंपोनेंट का आपको क्या दे रखा हो परसेंट बाय मास, तो दूसरे का क्या करोगे आप लेट करना कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था कितना होता है 100 होता है, उसमें सॉल्यूट का परसेंट 24.8 है, तो सॉल्वेंट का क्या कर दोगे आप 100 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो सॉल्वेंट है उसका परसेंट आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू आ जाएगी कि उसका मास कितना है वहां पर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को एक्स ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर HCl है, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन में कौन NHCl प्लस NH2N के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूँ मोल ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें पता है मास चाहिए होता है अपन मोलर मास, मोलर मास हमें पता रहता है। ठीक है, मास चाहिए, मास किस किस का चाहिए, एक तो HCl का और एक वाटर का। HCl का आपको दे रखा है 24.8, किसका चाहिए वाटर का के कितना है, तो मैंने माना अगर पूरा सॉल्यूशन 100 है उसमें से 24.8 ग्राम कौन है HCl, तो वाटर का मास कितना होगा, m of H2O मास ऑफ वाटर कितना होगा 100 माइनस 24.8 कर दोगे 75.2 ग्राम। ठीक है, अब क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकालो सेपरेटली, अगर मैं यहां पर निकालू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ HCl के लिए मास चाहिए, मास कितना है 24.8 अपन मोलर मास HCl का, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 ऐड करो 36.5, इधर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मास कितना है 75.2 अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होगा 0.679,
इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगी 4.176। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, एचसीएल के और वाटर के। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पर। जब वैल्यू पुटअप करोगे आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आएगी एचसीएल 0.1399, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आप सॉल्व करना, आपके पास ये आंसर आएगा। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज ये, मेन फंडा ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप सोचो मास तो हमें गिवन नहीं है, परसेंट बाय मास दे दिया, तो हमेशा ध्यान रखना परसेंट का मतलब भी क्या होता है, अपने आप में 100 सॉल्यूशन है वो 100 होगा, उसमें से कुछ इतना हो गया तो बाकी बचा क्या हो जाएगा 100 में से आप माइनस कर दोगे। ठीक है, अब जो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपके लिए